क्या नहीं दिया जाता है? क्या बिल्कुल दिया जाता है? अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आज आपको नहीं बुलाता। सरोज जी अगर कांग्रेस की ऐसी बात आप कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ नहीं बुलाता। विपक्ष की कौन सी भूमिका है कि आप सत्ता का कांग्रेस होता है? ठीक है, आप बयान नहीं करें। जरिए से ये देखना चाहते हैं, ये नजरिया आपको ही समझना पड़ेगा। बड़ी क्लियर कट है, गुंडों की बात हो रही है। हाँ। गुंडे कहीं बाहर से मंगाए जाएंगे, वहां के गुंडे चिन्हित हो जाएंगे। आपके बूथ लूटने के लिए बाहर से गुंडे कौन बुला रहा है? क्या पूरा कैबिनेट, क्या शर्म आता है एक मिनट को भी कि पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का कैबिनेट बंगाल में बैठा है? क्या भारत में कोई काम नहीं है? क्या भारत की सरकार के पास किसी भी तरीके का काम नहीं बचा? क्या वो केवल चुनाव लड़ने के लिए बनाया गया है ये सरकार? 500 साल चुनाव लड़ेगी? क्या उसको ये बेरोजगारी नहीं दिख रहा? क्या महंगाई नहीं दिख रहा? क्या लूटतंत्र नहीं दिख रहा? क्या आपका एक भी संवैधानिक संस्थान आजाद है? इलेक्शन कमीशन पक्षपात करता है, खुल के मैं बोल रहा हूँ, टीवी चैनल पे बोल रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन पक्षपात करता है, उसको दिखाई नहीं देता दूसरी तरफ। और आप लोग वहां केवल प्रोपेगेंडा करते हैं, बम फूटता है बगल में, आप वहां पे बम फूटने के बगल में भाषणबाजी कर रहे होते हैं, मतलब आपके लोग खुद ही बम प्लांट करते हैं और अपने आप वहां पे भाषण देते रहते हैं कि कौन सा बम फूटेगा और न्यूज में चलवाएंगे हम बड़ा बड़ा। एक भी मीडिया आजाद है क्या? कोई तंत्र आपने आजाद नहीं छोड़ा है, हर तरीके की तानाशाही आपने कर रखी है और इसमें आप तब भी चुनाव हार रहे हैं, तब इस तरीके का प्रोपेगेंडा। तानाशाही कांग्रेस भी कर रही थी और आज बैठी हुई सत्ता पार्टी वो भी कर रही है। याद है, पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है इमरजेंसी। तानाशाही आम आवाम को परेशान करने के लिए, चाहे आपकी सरकार हो चाहे इनकी सरकार हो, करती रही है। भाई अरुण साहब, भाई अरुण जी, घोषित किया था कि इमरजेंसी है, घोषित किया था और एक्सेप्ट किया कि गलती थी। आपने घोषित नहीं किया है और एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। आपको सुप्रीम कोर्ट तक की आजादी नहीं है इस देश में। आप सब कुछ मैनिपुलेशन होता है। कितने भी घोटालेबाज हो जाए, कितने भी तरह का घोटाला हो जाए, जांच नहीं होगा। बिना कैग रिपोर्ट के आप जबरदस्ती आप किसी भी तरीके का फैसला लेना चाहते हैं। विपक्ष कर क्या रही है? विपक्ष क्या कर रही है? अगर मीडिया खुद ही बिक जाए तो नहीं क्या कर लेगी? नहीं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस ही सड़क पे नहीं है क्या? क्यों नहीं दिया जाता है? क्या बिल्कुल दिया जाता है? अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं आज आपको नहीं बुलाता। सरोज जी अगर कांग्रेस की ऐसी बात आप कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ नहीं बुलाता। मैं इसलिए बुलाया हूँ कि आप अपनी बात रखें और सीधा सीधा आप आरोप नहीं लगा सकते। मैं इसलिए रख भी रहा हूँ, आपके जैसे दो चार चैनल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप नेशनल मीडिया देखिए, अगर एक दो चैनल को छोड़ करके बाकी मीडिया दिन भर मोदी का बैंड बाजा न बजाता हो तो आप कह दीजिएगा। क्या मीडिया की जिम्मेवारी आप भी पत्रकार नहीं? तो विपक्ष की कौन सी भूमिका है कि आप सत्ता का ढोलक होता है? ठीक है, आप अपनी बात रखें। क्या मीडिया सत्ता का ढोलक होना चाहिए? क्या मीडिया सत्ता का ढोलक होना चाहिए? ये कौन से पत्रकारिता की किताब में पढ़ लिया गया कि मीडिया सत्ता का ढोलक होगा? वो सत्ता की कमियां नहीं बताएगा, वो सत्ता की कमियां छुपाएगा, वो घोटालों को छुपाएगा, वो अपराध को छुपाएगा, वो रेप पे बात नहीं करेगा, वो बिगड़ती अर्थव्यवस्था पे बात नहीं करेगा। जरा इनको पानी पिलाइए, एक चीज बताइए। नहीं, आपकी मुझे जवाब दीजिए, आपकी तारीफ करता हूँ। समझिए, आप भाई बंधु लोग ठीक है गिरे। मेरा ये कहना है कि ठीक है, बिक गई, सब बिक गया, कांग्रेस भी बिक गई क्या? नहीं, कहां सड़क पे नहीं दिखते? बिहार के कितने कांग्रेस नेता, बिहार के कितने कांग्रेस नेता धरता पर उपवास करते हैं? नहीं दिखता है, नहीं करते आप सदा कर सदन के बाहर नहीं निकलते। सदन में आपके प्रदेश अध्यक्ष कौन से झंडा प्रदर्शन करते हैं? आप बयान नहीं करें। जरा सा विपक्ष के विधायक को मारा जाता है, कोई समाचार नहीं होता। खबर दिखाई गई है, मैं खुद खबर कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। आप पब्लिकली जैसे सबको नहीं कर सकते, आपको अगर किसी को कहना है कहें, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि सभी मीडिया बिक गई है। आप सभी मीडिया को आरोप नहीं लगा सकते। भाई अरुण जी, जैसा भरोसा नहीं होता नहीं आता। ठीक है भाई अरुण जी, सवाल यहाँ पे एक सरोज जी भाई अरुण जी, देखिए इतना चिल्ला चिल्ला के बोलने से कोई फायदा नहीं है। बात मुद्दे पर होनी चाहिए। जो आज इन्होंने कहा, सरोज जी ने जो बोल रहे थे कि सारे जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं जी, वो करीब करीब उस पर आरएसएस के लोग बैठ गए हैं। चलिए,
पहले आपके लोग बैठे हुए थे? नहीं, हमारे लोग नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बता दूंगा। आप ही के समय क्या कहा गया था कि सीबीआई कोता है? आपके समय क्या कहा था कि सीबीआई कोता है? चलिए ठीक है, ठीक है राजेश जी, एक राजेश जी मैं आपके पास आऊंगा भाई, रुकिए भाई, आज की ही बात मैं कह रहा हूँ कि असम में एक भारतीय जनता पार्टी के गाड़ी पर ईवीएम पकड़ी गई। ये चुनाव आयोग के जो मेम्बरान थे वो कहे का, चुनाव आयोग का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें कहा गया कि गाड़ी खराब हो गई तो हम भाजपा वाले गाड़ी पर बैठ गया, उनको ये नहीं पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की ये गाड़ी है। क्या ये संभव है कि जिसमें बैनर और झंडा लगी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की झंडा है, बैनर है, तो ये क्या संभव है कि वो नहीं देख पाया? ये अगर चुनाव आयोग ये कहता है तो मैं क्या मानूं? ये संवैधानिक संस्थाएं अब बिक चुकी है, ये आपातकाल का इन्होंने आपने बात किया राजेश बाबू, ये आपातकाल तो था ही गलत, आपातकाल का विरोध राष्ट्रीय जनता दल ने भी किया था, लेकिन आज आपातकाल से भी ज्यादा स्थिति खराब है, क्योंकि अघोषित आपातकाल आपातकाल से ज्यादा खतरनाक है। आज हम लोगों ने विधानसभा घेरने का काम किया, आज हम लोगों ने विधानसभा के अंदर क्या स्थिति हुई आप उसको कहीं से सही ठहरा सकते हैं क्या? महिलाओं को जो इज्जत वहां लूटा गया, महिलाओं को ब्लाउज पकड़ कर कर करके बाहर किया गया, विधायकों को गुंडे की तरह जो पीटा गया, क्या राजेश बाबू ये लोकतंत्र के लिए ठीक है क्या? हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है, और खतरे में भारतीय जनता पार्टी हर एक जगह अपने आरएसएस के कैडर को बैठा कर करके वो खतरे में करने का काम किया है, और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज किसान इतना दिन से बैठ, क्या कभी आज के पहले किसान या कोई भी धरना प्रदर्शन एक दिन होता था, दो दिन होता था, सरकार एक्शन लेकर करके काम करवा, अडानी और अंबानी के यहाँ आप महेंद्र सिंह टिकैत जी का धरना याद है भाई अरुण? सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो स्थिति जिस तरह से बयान हो रहा है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, वहां तकरीबन 45 लाख बिहार और उत्तर प्रदेश से हिंदी भाषी मतदाता हैं, तकरीबन 70 से 80 विधानसभा सीट पर निर्णायक की भूमिका में हैं, क्या ये इस तरह का बयान देना उचित है? आपको सर लग रहा है कि ममता बनर्जी इतनी बेवकूफ महिला है कि जिस 70 विधानसभा सीटों को जो चिन्हित करता है, जो जिताता है, उसे वो गाली देने का काम करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि उनका बोलने का जो मैंने देखा, लैंग्वेज देखा, तरीका देखा, वो किसी बिहारी या यूपी वाले नहीं थे वो। अगर अच्छा एक बात बताइए, हमारे बिहार में चुनाव हो, मैं बूथ लूटूं या मैं बूथ लूटने के लिए जाऊं तो मुझे क्या कहा जाएगा? सामाजिक कार्यकर्ता कहा जाएगा कि मुझे गुंडा ही कहा जाएगा? अच्छा, मैं अपने को भी गुंडा उस श्रेणी में अगर मैं हूं तो मैं भी गुंडा हूं। ममता बनर्जी ने जो कहा, हाँ, कि बूथ लूटने के लिए जो आए हुए, बूथ लूटने, बाकी को समझिए, बूथ लूटने के लिए कौन आया, किसने लाया, ये देखने की बात है। तो बूथ लूटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो गुंडे लाए, हाँ, उसको हम सबक सिखाएंगे, ऐसा ममता बनर्जी का बयान था। ठीक है, आप सब बने रहिए। अब इसी बयान, सरोजी मैं आपके पास आऊंगा, इसी बयान पर सियासत जारी है। हालांकि यहां पे जो स्थितियां बनी है, ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है उसके बाद जो बिहार की सियासत में उबाल आया है ये अलग फैक्टर है, लेकिन उससे सवाल हमारा यह है कि अगर सियासत आपको करनी है तो क्या इस तरह से भी बयान देना अनिवार्य है? क्या इससे पहले इस तरह के बयान आते रहे हैं? कई ऐसे मसले हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद, और यह भी दिखाएंगे कि किस तरह से इस बयान आने के बाद मुजफ्फरपुर में परिवारवाद दायर किया गया है, देखेंगे ब्रेक के बाद। खबर आपकी, खबर गांव ज्वार की, खबर देश दुनिया की, बिना रुके बिना थके हम रखते हैं सबसे सरोकार, ना तकरार ना टीआरपी के लिए बेकरार, यही तो है आपसे हमारा करार। डीटीवी भारत, देश के लिए।